इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, खबर ये कि रूसी सेना की बहुत बड़ी मिसाइल स्ट्राइक हुई है और एक साथ यूक्रेन के 9 शहरों पर ये भीषण हमले हुए हैं। रूस के हमले में एक दर्जन लोगों की मौत हुई है, यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने भी तबाह हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस के हमले में एक दर्जन लोगों की मौत की खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। रूस के इसी विध्वंस के साथ एटमी हमले का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन ने एक बार फिर से रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यूक्रेन ने 24 घंटे में रूसी धरती पर जिस तरह का विध्वंस किया है उसने महाविनाश का सायरन बजा दिया है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने ऑपरेशन एयरबेस लॉन्च कर दिया है और इसके तहत रूसी एयरबेस को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस के कई एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए हैं। सवाल यही है कि अब पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन से कैसे प्रतिशोध लेंगे। पहला ड्रोन प्रहार, दूसरा ड्रोन प्रहार, तीसरा ड्रोन प्रहार, चौथा ड्रोन प्रहार, पांचवा ड्रोन प्रहार, इसी तरह 36 ड्रोन गिरे और रूस की धरती दहल उठी। इस हमले को यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर अंजाम दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने आदेश दिया तो यूक्रेनी ड्रोन फोर्स का विनाशक एक्शन शुरू हो गया। यूक्रेन ने रूस के चारों शहरों में एयर अटैक किया। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रूस के एयरबेस, हेलीकॉप्टर बेस, एविएशन प्लांट और हथियार फैक्ट्रियां थी। रूस ने कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म मिल गया। एक अक्टूबर को ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से ज़ेलेंस्की और रुस्तम के प्लान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में बहुत बड़ा काउंटर अटैक प्लान किया है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया के साथ साथ रूसी धरती पर ड्रोन की बारिश करने वाली है। तो क्या यूक्रेन का अक्टूबर काउंटर अटैक लॉन्च हो चुका है? यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह के हमले किए वो फिलहाल इसी बात का ऐलान कर रहे हैं। चौबीस घंटे में यूक्रेन ने रूस के चार इलाकों में भीषण प्रहार किया। सोची, स्मोलेंस्क, बेलगोरोड और तोबोलस्क, ये वही रूसी इलाके हैं जहां यूक्रेन ने न सिर्फ ताबड़तोड़ हमले किए बल्कि उसके कई अटैक सफल हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने सोची में एयरबेस को टारगेट किया। रूस के स्लोवेंस्क में एविएशन प्लांट पर ड्रोन गिरे तो प्लांट का एक हिस्सा चल गया। रात के अंधेरे में बेलगोरोड में भी रूसी एयरबेस पर प्रहार हुआ। हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तोबोल्स्क में भी यूक्रेन के हमले से रूसी सेना की कमर टूट गई है। यूक्रेन के हमले में यहां कई इमारतें जल गई। आसमान से ड्रोन का काफिला गिरा तो चारों तरफ विध्वंस के शोले नजर आने लगे। तोबोल्स्क में यूक्रेनी सेना ने जिस तरह से हमला किया उससे पूरा इलाका दहल उठा। यूक्रेन ने इस बार जिस तरह से धावा बोला है उससे क्रेमलिन बुरी तरह से तिलमिला उठा है। रुस्तम के ऑपरेशन एयरबेस ने परमाणु विनाश का संदेश
जारी कर दिया है। रूस के अंदर जिस तरह से यूक्रेन हमले कर रहा है उससे परमाणु विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान रहा है। और पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस की धरती पर एक दो नहीं बल्कि 36 ड्रोन दागे। रूस ने कई हमलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कई ड्रोन ने अपने टारगेट को हिट किया। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एयरबेस और सैन्य ठिकाने हैं। यूक्रेनी फोर्स उन्हीं को तबाह करने की कोशिश कर रही है। रूस की सोची समझी जो तैयारी है उसके तहत क्या क्या हो रहा है, उलट एक तरफ रूस के सोची एयरबेस पर कई ड्रोन गिरे हैं, वहां विस्फोट हुआ है। यूक्रेन का तो दावा यहां तक है कि उसके हमले में सोची एयरबेस पर मौजूद रूस के 3 हेलीकॉप्टर और 2 फाइटर जेट को बहुत नुकसान पहुंचा है। रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेन ने एविएशन प्लांट को हमला किया है, टारगेट किया, और इस प्लांट पर KH-59 मिसाइलें बनती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमले में मिसाइलों का जखीरा तबाह हुआ है, और इसके साथ ही प्लांट को, बिल्डिंग को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है। और यूक्रेन ने बेलगोरोद एयरबेस पर भी दावा बोला है। खबर है कि यहां रूस के 3 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया गया है, और इसके साथ ही एयरबेस पर मौजूद रनवे तबाह हो गया है। तो वोल्स्क में भी यूक्रेन ने रूस के सैन्य बेस को टारगेट किया, और इसमें रूस के 4 हेलीकॉप्टर बर्बाद हुए हैं, 7 सैन्य वाहन भी जल गए। युद्ध के मैदान में भी यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त धावा बोला। खार्किव में रूसी सेना के डिप्लॉयमेंट को जलाकर राख कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने 16 हवाई हमलों को अंजाम देने की कोशिश की। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 8 हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी बॉम्बर, वही बॉम्बर जो यूक्रेन पर आसमान से बारूदी आफत बरसा रहे। यही वजह है कि यूक्रेन एयरबेस पर हमले का रूसी बॉम्बर और फाइटर जेट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। रूसी एयर डिफेंस यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे, लिहाजा अब रूसी एयरफोर्स अपने बॉम्बर को बचाने के लिए छल का सहारा ले रही है। रूस के ईगल एयरबेस से जो तस्वीरें आई है उससे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ईगल एयरबेस पर रूस ने डिकॉय TU-95 बॉम्बर खड़े कर दिए। नकली TU-95 बॉम्बर को असली बॉम्बर जैसा रंग रूस ने दे दिया है। इसी नकली बॉम्बर को एयरबेस पर खड़ा कर दिया गया है ताकि यूक्रेनी फोर्स धोखा खा जाए। वो नकली बॉम्बर को असली समझकर हमला करे और उसकी मिसाइलों की बर्बादी हो। इतना ही नहीं, रूसी एयरफोर्स अपने बॉम्बर्स को बड़े बड़े टायर से ढक भी रही है। रूसी सेना ऐसा इसलिए कर रही है ताकि आसमान से बॉम्बर नजर नहीं आए। बावजूद इसके अगर यूक्रेन एयरबेस पर हमला करे तो टायर की वजह से बॉम्बर को नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन यूक्रेन ने ऐलान किया है कि उसके प्रतिशोध से रूस बच नहीं पाएगा। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि यूक्रेन बड़े पैमाने पर हथियार बना रहा है, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी फोर्स जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये यूक्रेन के हुंकार है, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक का परिणाम बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। यूक्रेनी सेना जिस तरह से रूसी धरती पर ड्रोन दाग रही है उससे परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। अगर रूसी एयर डिफेंस यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में इसी तरह से नाकाम होते रहे तो पुतिन आक्रमण के अंतिम विकल्प पर अमल करेंगे, और इसी के साथ युद्ध के मैदान में परमाणु प्रलय आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।